हमारे पास सरदार है और ट्रेलर ड्राइवर है और हम लोग मजदूरों ने गन्ना कट दिया उन्होंने। अच्छा नहीं बांधे हमने। और कुछ यहाँ हमारे मामा बहुत उमरिया है, इससे कुछ डिब्बी ले लो। हाँ खड़ा हूँ। अच्छा वेट करो, हाँ खड़ा हो तो तुम्हारा फोटो हम सबको फिल्म में यूज करें ना। right. अच्छा हाँ. तो अच्छा अभी आप इधर आओ। right. एक एक दो दिन एक दो तीन दिन उधर गन्ना पर भागते रहो। अच्छा आप इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। अच्छा आप इधर ही खड़ा रहो। हाँ अपन नाम बताओ। नारायण मुदलियार। जोर से बोलो। नारायण मुदलियार। और कितना दिन से आप गन्ना का? 35 साल। 18 साल। कितना मतलब? 85। 85 ईयर्स जी। तो गन्ना बो कड़ा काम है? गन्ना बो कड़ा काम नहीं, गन्ना किसानी काम है, गन्ना बो कड़ा काम नहीं है, गन्ना काट के निकालना कड़ा काम है। कैसे कड़ा काम है? टाइम से गाड़ी मंगवाओ, टाइम से गाड़ी अगर नहीं आए, लोरी नहीं आए, कोटा नहीं मिले, जब मूल के प्रॉब्लम हुए सब। अच्छा और अभी जमीन आपके है कि नहीं? मैं मजदूर हूँ, हमारी जमीन हमारे भाई के पास है। हमारे पास किसके पास? हमारे भैया के पास। अच्छा तो ये किसके जमीन है? ये हमारे साला की जमीन है। अच्छा तो कितना एकड़ जमीन आपके पास है? हमारे पास नहीं है, मजदूर है। हम तो मजदूर है, हमारे भैया लोग के पास है जमीन, 3 ब्लॉक जमीन है। 3 ब्लॉक है जी। अच्छा अच्छा इसमें कितना टन गन्ना निकलेगा? इसमें 50 टन। 50 टन बीघा है या 20 साल फिलहाल। अच्छा तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये सब मदद करे कराई में? गन्ना बहुत पैसा नहीं है, मजदूर लोग का बहुत पैसा नहीं है। कितना मिलेगा हमें देख के बात करो। इधर देखो, आप यहाँ देखो साइड हो। हाँ बस 12 कटैया है और 8 डॉलर टन है राइट। उसमें से 2 डॉलर बेच पे मिली रुकी और 6 डॉलर मिली, 5 डॉलर टन के। टन के फिर अपन मार्जिन जो कुछ दे उससे ले लो, अपने आप बात करें थोड़ी मार्जिन। तो 50 टन आप लगता है 50 टन निकल जाएगा? ये तो किसान के मिली 50 टन गन्ना, इसमें से हम लोग जो गन्ना कटाई काटेगा वो अलग है ना। हाँ नहीं 5 डॉलर टन आपके मिली जी, जो काटते हैं हम लोग सबके साथ मिली जी, सबके डिवाइड करेंगे। तो जितना 50 टन में से निकलेगा 5 डॉलर जी, उसमें से कितना आदमी डिवाइड करेगा? 12% डिवाइड करेगा। तो आप अपना घर कैसे? 5 डॉलर टन है, 5 डॉलर में नहीं, 5 डॉलर टन है गेंग के भाव, 7 डॉलर टन है, 2 डॉलर बेच पे रुके, 5 डॉलर कट के मिले, उसमें तलब मिली 5 डॉलर जो नहीं वो तलब मिली, बेच पे 2 डॉलर रही। जितना टन आप गन्ना काटे 200 टन गन्ना काटेगा वो 400 डॉलर बेच पे ही मिली लास्ट में। तलब हमें तो लग तलब अलग रही, बहुत नहीं 90-100 है। तो कितना मिली तुम्हें खाली आपके जब डिवाइड करेगा? कितना बहुत वही अच्छा सा अगर गन्ना काटे तो 90-110-120 डॉलर से। अच्छा कितना दिन में ये सब कट जाए? सब गन्ना गेंग के हाँ लग जी साल जनवरी तक। एक साल में खाली 100 डॉलर मिली आपके? साल में नहीं, तलब 3 हफ्ता में, 3 हफ्ता तलब, 3 वीक के तलब है। अच्छा तो आपके पास फैमिली है, परिवार है? जी हाँ, 3 लड़का है, पत्नी है और हम है। तो 100 डॉलर में घर है आपके पास? घर है तो इतना में कैसे चलेगा? नहीं लेकिन चलाना पड़ेगा ना, लड़का लोग हाई स्कूल जाए। अच्छा और ये लड़का हाई स्कूल जाए, एक प्राइमरी है बस। इधर तो रहो, एक दो गन्ना भाते रहो भाई साहब। तो आपका नाम क्या है? नारायण मुदलियार। नारायण मुदलियार तो आप ये टीवी में चलाने का परमिशन देते हैं ना? जी हाँ। अच्छा और कुछ बताना चाहते हैं कि गन्ना
में अभी जो पहले गिरमिटिया लोग ऐसे ही गन्ना काटते थे ना? जी हाँ, ऐसे ही गन्ना काटते थे पहले, लेकिन ट्रेला नहीं रहा पहले जमाने में। वो बैल से लोहा लगाते रहा पूरा लाइन में, और बैल से काम करते रहा, बैल से गाड़ी खींच के मेन लाइन तक ले जाता रहा। अच्छा, अभी तो थोड़ा सहूलियत मिल गई जो ट्रक था ट्रेला में गाड़ी उठावा जाए ना, और पहले नहीं था। ओके ठीक है, और तब ठीक है। पानी में थोड़ा तकलीफ हुई, गन्ना कटिया रोक के वही बीच के भर के पड़ी, जितना गाड़ी रही उतना भर के देख पड़ी। हमें देखो, हमें देख के बात करो। हाँ, जितना गाड़ी रही उतना भर के देख पड़ी। ठीक है, ओके। अब अच्छा ठीक है, बोलने मांगे है। हाँ राइट, सवाल करो, जवाब देगा। हाँ बोल, क्या क्या नाम है आपका? प्रमोद नायडू। जोर से बोलो। प्रमोद नायडू। और कितने दिन से गन्ना की? 7 साल। 7 साल से गन्ना कटाई। अच्छा, तो गन्ना कटाई में ज़्यादा मेहनत लगता है कि? बहुत ज़्यादा मेहनत है। अच्छा, स्कूल गया आप? हाँ स्कूल गया। हाँ जी हाँ, फॉर्म 4 तक पढ़ा। अच्छा, तो गन्ना कटाई क्यों करता है? आई मीन दूसरा तो नौकरी मिल सकता है ना, मुझे फैमिली चलाना है, परिवार। अच्छा, तो काम कोई जाए, नौकरी नहीं मिला। थोड़ा इधर ज़्यादा है तो, हाँ रे मैं खड़ा रहना। तो नौकरी नहीं मिला तो आप गन्ना काटने लगे? गन्ना काटने लगे। फिर कितना परिवार है आप में, कितना लोग है आपके परिवार में? पप्पा है, मैया है, भैया गुन, 3 भैया गुन। अच्छा, तो शादी हो गया आपका? कितना बाल बच्चे आपके पास? 2 है। अच्छा, तो कितना आपको मिल जाता 3 हफ्ते पे पगार पैसा? 115 मिल जाता है। 115 3 हफ्ते का? हाँ 3 हफ्ते। तो 115 3 हफ्ते में क्या क्या करते हैं? घर है आपके पास? घर है। घर है। अच्छा, और क्या बोलना चाहते हैं? और पार्ट टाइम मैं पुजारी हूँ। अच्छा, पुजारी का? तांगी तांगी मंदिर में, सुबह सुबह शामी मंदिर में मैं पुजारी हूँ। अच्छा, तो उससे भी कुछ, उससे भी कुछ पैसा आता है? हाँ, उससे 20 डॉलर आता है एक पूजा में। महीने भर में एक पूजा अपने, महीने भर में 20 डॉलर आता है। अच्छा, और कुछ? कुछ नहीं बस। अच्छा ठीक है। ए बेला आओ, सबसे उम्र आदमी है, सबसे उम्री आदमी वही है। आओ, हाँ तो आओ, यहाँ तुम आओ, तुम आओ इधर, यहाँ खड़ा हो और इससे बात करो और इससे क्वेश्चन करो। हाँ वेट कराओ इधर। हाँ भाई भाई, रुको रुको। हाँ हमें देख के बात करना। बस आप अपना नाम बोलो। जमाल मोहम्मद। अच्छा, कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 50 साल से। 50 मतलब 50 ईयर से। खाली गन्ना के काम आपका? ये गन्ना के खेत है, ये आपका है? गन्ना के खेत है आपके? हाँ हाँ, हम मजूर आदमी है। मजूर आदमी है माने ये गिलाइबा है जानो। अच्छा, मजूर जानो, किसानी एक रकम की है। तो 50 ईयर से काम कर, कितना मिलता है आपको 3 हफ्ते पर? 3 हफ्ते में 50 डॉलर मिलते हैं, और कितने? तो इतना में आपका फैमिली का गुजारा नहीं सके चले? क्या नहीं सके चले? गन्ना के दाम बहुत कमती है। हमें देख के बात करो और बोलो कि 50 डॉलर कैसे नहीं सके चले? नहीं सके, खर्चा पानी बहुत महंगाई है, नहीं सके चले कोई हालत। अच्छा, देखो टोपी का हालत देखो हमारे कैसे है, तब सके कुछ अंदाज लग जाए ना। बहुत ज्यादा बोले जरूरत नहीं है, टोपी देख के सके आदमी लोग जान सके कि कितना काम वाला आदमी है या नहीं है। आपका उम्र कितना है? 53। तो आप स्कूल कभी नहीं गए? स्कूल गया। कितने तक पढ़े? बहुत 10 साल पढ़े। अच्छा, फिर गन्ने काटते हैं 40 ईयर से लगभग गन्ने काटते हैं। तो आप इधर बा के इधर इधर ही के? हाँ, टेंगी टेंगी। अच्छा, तब का।
तो आपका बेटा क्या करता है? बेटा अवासीज गए। अच्छा, घूमने। अच्छा अच्छा, तो और गन्ना कटाई में ज़्यादा मेहनत लगता है क्या? बहुत मेहनत ज़्यादा लगता है। मेहनत तो हर एक करना पड़ी तब जरूर विचार आना आई, नहीं तो फिर 50 डोला भी नहीं होगा, 40 डोला होंगे। काम नहीं करेंगे 40 डोला के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तब बहुत जाएगा 70 या 80 डोला जाएंगे, उससे बेसी नहीं जाएंगे। लम्बा लाइज बनो 50 डोला होंगे। और गर्म में काम करो, इजी है कि हार्ड है? बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। किसानी काम नहीं सके कोई आदमी लोग, बहुत आदमी कर नहीं सके, बीमार हो जाते हैं गर्म ना, पसीना निकलते है सब बीमारी आ जाती है, एक से एक बीमारी आ जाती है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे? आपके पिताजी, मेरे पिताजी तो गन्ने काटते थे। अच्छा। और मछुआ भी रहता। अच्छा, तो आप भी गन्ने काटते हैं? हाँ, गन्ने। आपका बेटा क्या करता है? वो तो गया घूमने। करता क्या है? गया घूमे अवश्य। नहीं, लेकिन करे क्या, कुछ करे? पहले अंडरग्राउंड काम करते थे, फिर चल दिए थे बस। अंडरग्राउंड मतलब? यहाँ गोलमई। अच्छा, और कुछ बोलो, और पूछो, तुम पूछो इसे? बताओ और आगे विषय भी बताओ, कैसे खेती करता, कैसे फसल होए, कितना मेहनत लगे। हाँ बोलो, हमें देख के बोलो। फसल तो बहुत होते नहीं है, मौसम के मुताबिक से काम हुए है ना, मौसम नहीं तो कुछ नहीं, ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, रोज काम करते हैं, इन्हीं की नहीं ना, तब तो कुछ काम चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। हाँ, डेढ़ गाड़ी भी नहीं मिलते, चार गाड़ी मिलते, वास्तव मांगो 18 गाड़ी रोज के मिलने मांगे, तब सके काम हुए, तब सके बड़ा पैसा। अच्छा, आपके नाम क्या है? जमाल मोहम्मद। अच्छा, और आप अपने ये फोटो टीवी में दे सकते हैं ना? जी हाँ। अच्छा, ये आपका? अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर वाला एक सरदार है।